वेलकम टू ना नीरज जी, हाउ वॉज द जर्नी यार? जय माता दी, जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं ऊना और अब हमें यहाँ से बस पकड़ना है। बस से हम जाएंगे चामुंडा देवी आदि हिमालय। तो जय माता दी। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे वीडियो वहाँ से, अभी के लिए पॉज कर रहे हैं। बाय बाय। कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर। और हिमाचल का नाम आते ही आपके दिमाग में बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल सही है। और इतनी मतलब इतनी अच्छी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा कि मैं मतलब बता नहीं सकता। आपको वीडियो दिखाऊंगा, बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप डाल देंगे उसके दौरान, और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें घटित हुई है और क्या क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए बस। और जैसे हम लोग वहाँ गए थे तो हमने जब यहाँ पे स्टार्ट किया तो एक बहुत बेसिक जो कन्फ्यूज़न था वो ये था कि हम ट्रेन प्रीफर करें या बस प्रीफर करें। ये बहुत बड़ा मेजर मेजर टॉपिक है। इनफैक्ट जब आप कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले आप कन्वीनियंटली देखते हो कि उसके लिए क्या प्रीफर करें। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेन को इग्नोर करें, ट्रेन से ना जाएं। हाँ एग्जैक्टली। बस एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि जाने वाले टूरिस्ट हर तरीके के होते हैं। हाँ, तो उसमें मान लीजिए कोई जिसको प्रॉब्लम हो तो बस में सफर बहुत लंबा पड़ जाता है। हालांकि ये ज़रूरी है कि बस टाइम एज कम्पेयर टू ट्रेन जो है थोड़ी बहुत कम लगाता है, क्योंकि एक तो ये बेनिफिट होता है कि आपको बस फ्रिक्वेंटली मिल जाती है ना, और ट्रेन में ये दिक्कत है। ट्रेन में ये दिक्कत है। लेकिन अगर ट्रेन से भी जाना चाहते हैं तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो हिमाचल एक्सप्रेस बेस्ट है। और अगर हम फेयर की बात करें तो आपको क्या लगता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस था? फेयर में कुछ ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं लगा मुझे। हालांकि दोनों में मतलब 50-10 का मतलब यही कोई डिफरेंट था, कुछ ज़्यादा नहीं था। बट हाँ, ट्रेन से अगर आप जाते हो तो ज़्यादा घूम कर जाना पड़ता है। अगर आप दिल्ली से अगर आप पकड़ते हो या फिर कहीं और बीच से पकड़ते हो तो घूम के जाना होता है, क्योंकि जैसे ही आप ऊना पहुँचते हो बेसिकली आपको ऊना उतरना पड़ेगा, ऊना स्टेशन। ऊना उतर के आपको कांगड़ा की बस है ना, एग्जैक्टली कांगड़ा की बस, जो कि ऊना से करीब अप्रोक्स 4.5 घंटे या 5 घंटे लगते हैं टोटल। वैसे रेली में तो डिस्टेंस जो किलोमीटर्स में है वो 100 किलोमीटर्स के अराउंड है। 100 किलोमीटर। तो बट फिर भी प्राइवेट बस थे, प्राइवेट बस था तो हर जगह वो रुकते जा रही थी, तो इसलिए टाइम ज़्यादा उस पर बढ़िया था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो दर्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मंदिर का और व्यू आपको हिसाब से क्या लगा, फिर मैं अपना व्यू बताऊँगा। मंदिर तो अमेजिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया। बड़ा वहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो लोग फिर से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, बना रहे हैं अच्छे ढंग से ताकि थोड़ा और अच्छा लुक व्यू हो। बाकी नीरज जी बताइए। हाँ एक्चुअली मैं इससे पहले भी वहाँ जा चुका हूँ और लगभग 3 से 4 साल पहले गया था, तो उस टाइम का जो एटमोसफेयर था और इसमें अभी काफ़ी चेंजेस हैं और उन्होंने बहुत अच्छा बना रहे हैं अभी, ऐसा उनका कहना है। हालांकि हमने मैप वगैरह तो देखा नहीं। मेन बात वहाँ पे अच्छी लगी वो ये था कि जैसे बहुत हम मंदिर में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, वो अनऑर्गेनाइज क्राउड होता है, अनऑर्गेनाइज क्राउड होता है, वो मेजर इशू है। क्राउड इज नॉट ए इशू, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज क्राउड होता है ना, रियली मेजर इशू। यहाँ पे सारी लाइन लगी हुई थी भीड़ की, और कोई जितना जैसे काफ़ी मंदिरों में मारामारी हो जाता है तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, सब प्रोफेशनली इनफैक्ट बहुत लाइन से अच्छे से खड़े थे और हमारा दर्शन भी बड़े इजीली हो गया और आराम से दर्शन हो गए। हमने 2-3 बार इनफैक्ट दर्शन किया, तीन बार आराम से। हाँ, 3 बार। और आरती तो बहुत ही अमेजिंग था। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट तो यार चेंज होते रहते हैं, मतलब कभी आपको गर्मी जैसा फील होगा ही नहीं। एक बाणगंगा है वहाँ पे, बाणगंगा या बाणगंगा जो बोलते हैं, वहाँ पे जब आप जाओगे तो पहले आप कॉशन देख के आप डर मत जाना, क्योंकि इनफैक्ट ऐसा होता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ। हम नहा रहे थे और सडनली क्या हुआ, पानी का बहाव जो था वो काफ़ी तेज़ हो गया, आनन फानन में हमें भागना पड़ गया वहाँ से।
तो ये ऐसा होता है। और जिस पत्थर पे हमने लगभग अपने कपड़े वगैरह रखे हुए थे, बैग रखा था, डूब चुका, वो डूब गया। ये एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप जाते हैं तो नदी में बिल्कुल स्नान करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी कभी भी बढ़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना बस वहाँ पे कॉशन लिखा हुआ है। वहाँ पे भी ये भी है कि हम अलार्म वहाँ पे बजता है कुछ ऐसा कि अगर कोई एक बांध होता है जिसको खोल देते हैं, खोलने के बाद पानी का बहाव जो काफ़ी तेज़ हो जाता है। अमेजिंग व्यू यार, पत्थर ही पत्थर है वहाँ पे, और पानी ज़्यादा था नहीं, लेकिन हाँ बहाव काफ़ी तेज़ था, बहाव इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो इसमें डर लगता सकता है अगर आप किसी मतलब बच्चों के साथ जा रहे हो, तो कोशिश करें कि उनके हाथ पकड़ के रखें अगर आप उनको अंदर लेके जा रहे हैं तो, कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है और वो अच्छा। हम इसके बारे में बात करते हैं, जो हम वहाँ पर कहा जाता है कि लगभग खाड़ी से ऊपर आदि हिमालय चामुंडा का, तो वहाँ का एक्सपीरियंस एक कसक मन में ज़रूर रह गई कि शायद वो तो सही में रहेगी क्योंकि हम वहाँ जा नहीं पाए। लोगों ने काफ़ी डरा दिया और यहाँ तक लोग बोले कि ऊपर में जानवर रहते हैं ऐसा। हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ, नीरज जी जा चुके हैं वहाँ पे, तो लेकिन लोकल लोगों ने काफ़ी डरा दिया हमें कि वहाँ पे मतलब कोई आता जाता नहीं है, बारिश हो जाती है, कोई शेड वगैरह नहीं है, अगर बारिश हो रही है तो बचने के लिए कुछ है नहीं। हाँ वैसे तो, रियलिटी वहाँ का ये है, ये तो लोगों का मानना है और वो उनका मानना सही भी है। मैं जब 2014 में गया था तो उस टाइम जून का मंथ था, तो बारिश शुरू नहीं हुई थी। वहाँ से लगभग एक जिया नाम का जगह है, लगभग वहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ से, तो वहाँ से आप तो अपना चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और वो अगर आप मॉर्निंग में चढ़ेंगे 5 बजे 6 बजे के अराउंड में स्टार्ट किया था मैंने, और लगभग 2:30 बजे हम लोग जो लास्ट डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच गए थे। इन बिटवीन मौसम काफ़ी चेंज हुआ, हल्की बारिश भी हुई लेकिन वो बहुत मेजर बारिश नहीं थी। और जब बादलों के ऊपर तक पहुंच गए तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग था। मतलब आप एक ये लगा लो कि आपके नीचे बादल है, मतलब ऐसा है आप बादलों के ऊपर हो, मतलब आप यही सोच के देख लो कि कितना मज़ा आएगा ऐसे में। नीचे आप बादल देख रहे हो और बादल के आप ऊपर हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप बादलों के ऊपर तैर रहे हो, लिटरली ये है। मैं गया नहीं हूँ लेकिन इनके मुँह से लिटरली हमने देखा, व्यू देखा वहाँ पे, तो सुबह सुबह मुझे लगता है वो भी हम दिखा देंगे, वो भी हम दिखा देंगे, हमारे पास क्लिप पड़े हुए उनके भी ना है कि पिछली बार बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी और इस बार हम यहीं से कन्फ्यूज थे, बेसिकली यहीं से बिगनिंग से कन्फ्यूज थे। एक्चुअली हमारे पास टाइम भी नहीं था, हाँ ऑफिस था मंडे से ज्वाइन करना, तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे। फ्राइडे नाइट हमने ट्रेन पकड़ी थी, फ्राइडे नाइट को ट्रेन पे बैठे और सैटरडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग करीब 7:32 हम ऊना पहुंच गए। उसके बाद करीब 1 बज गए हमें चामुंडा पहुंचने में। कांगड़ा के बाद आपको चामुंडा का बस लेना पड़ेगा, ये भी एक है वहाँ पे कोस्टिंग, जो ओवरऑल जर्नी कोस्टिंग मैं आपको बता दूँ, तो अगर आने का ले लो वहाँ पे तो करीब अराउंड 1500 के आसपास लगेंगे। इसमें खाना वाना भी आपका हो जाएगा 1500 काफ़ी है आई गेस, और सेम आपको कॉस्ट लगेगा रिटर्निंग टाइम में भी। हाँ तो करीब 3000 रुपये आपके, अगर आप मतलब बचत करके चलते हो सिंगल है तो 1500 रुपये ईच पर्सन ईच हेड आपको लगेगा। ये मैं दोनों मैं बता रहा हूँ, चाहे आप बस से जाओ या फिर ट्रेन से जाओ, हालांकि ट्रेन थोड़ा सस्ता है। अगर आप स्लीपर से जाओगे तो ट्रेन में करीब हमें कुरुक्षेत्र से हमने ट्रेन पकड़ा था तो करीब 350 अराउंड 350 लगे थे दोनों का लगाव था। लेकिन आप वही बस से आते हो तो बस में क्या है कि 350 पर हेड लगते हैं, बट ये है कि बस थोड़ा जल्दी आपको पहुंचा देगी। तो कोस्टिंग के बाद हो गई, अब वहां तक जहां का जाने का टाइम अगर प्रॉपर कहें तो वो मई और जून का, मई एंडिंग में आप जा सकते हैं और जून के मतलब स्टार्टिंग मतलब गर्मी जिस टाइम ज़्यादा पड़ती है ना, पीक पे हो तो ही आप जाना प्रेफर करें क्योंकि तब आपके चांसेस हाई होंगे कि आप ऊपर जा पाओगे, माँ हिमानी चामुंडा के आपको दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम बारिश के चांसेस कम होते हैं। Exactly. मतलब होते भी हैं तो वही है थोड़ा बहुत, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेनकोट जरूर लें क्योंकि वहाँ के लोकल लोग भी कहते हैं कि जब भी आप ऊपर जा रहे हो तो रेनकोट, क्योंकि पहाड़ है बारिश कभी भी हो सकती है। सही बात है, तो ये सब आप प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हम वीडियो जो हमने वहाँ से शूट किया है वो हम इस वीडियो के साथ बिल्कुल अटैच कर रहे हैं जगह जगह, आप वीडियो भी डालेंगे प्लस कुछ फोटोज मेमोरीज वगैरह भी हैं तो वो सारे हम यहाँ पे डाल देंगे। और अगर इस वीडियो का रिमार्क अच्छा आता है तो हम और भी जर्नी का जो भी हमारे पास एक्सप्लोर करेंगे जरूर। तो इसलिए अगर आपका 2 या 3 दिन का प्रोग्राम है तो ये बेस्ट प्लेस है, आप कहीं से भी हो आप आ सकते हैं यहाँ पे और जरूर जानते हैं। लेकिन एक अपील हमारी तरफ से जरूर रहेगी कि अगर आप अपने साथ कोई भी बोतल पानी का बोतल या कुछ भी लेके जा रहे हैं तो वहाँ नहीं फेंकें, वहाँ प्रॉपर कूड़ेदान अगर बना हुआ है जगह जगह बना हुए हैं वहाँ तो आप वहीं डालें, गंदगी ना फैलाएं। बेसिकली आप कहीं भी जा रहे हो गंदगी नहीं फैलाएं।
तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप और भी चाहते हैं ऐसे वीडियोस तो आप हमें बताइएगा कि हम आप अपना कोई आप लोकेशन बता दो जहाँ पे आप हमें चाहते हो देखना और आप हमसे सुनना चाहते हो ओवरऑल जर्नी का एक्सपीरियंस। यही था, इसी के साथ इस वीडियो में हम एंड करना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर वो भी कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उनके पास भी ये। दैट्स इट, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय करते हैं।